नाज़रीन, भारत में तालिबात से प्रिंसिपल और टीचर्स की इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या सामने आने पर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान में पेश आने वाले इस वाक़े में 9 टीचर्स और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 4 तालिबात को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब स्कूल ना जाने पर वालिद ने बेटी से वजह पूछी, जिस पर मैट्रिक के तालिबा ने बताया कि उसे स्कूल प्रिंसिपल और टीचर की जानिब से इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि 2-3 टीचर्स ने इस वाक़े की वीडियो भी बनाई है। पुलिस का कहना था कि इस केस के सामने आने पर 3 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और दौरान तहकीकात पता चला कि मुलजिमान ने मजीद 3 तालिबात को भी इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया है। पुलिस के मुताबिक खातून टीचर ने मुतासरा बच्ची को घर बुलाया, जहां प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा ने नशा आवर शहर पिलाकर इज्तिमाई ज्यादती की। तालिबात का कहना था कि ज्यादती का निशाना बनाए जाने के बाद उन्हें वाकये का बताने की सूरत में जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं।